सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, की हाल चाल। मैं हूं नवजोत और आप देख रहे हैं द एनएस ऑटो। तो भाई साहब, 2010 में वॉल्सवैगन ने जो है वो पोलो को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, और तब से लेकर अब तक पता नहीं ये कौन सी अकड़ खाकर बैठे हुए थे कि ना तो पोलो का कोई फेसलिफ्ट मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, ना ही इसकी टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट लेकर आए। लेकिन अब जो है इनकी आंखें थोड़ी बहुत खुल गई है और इन्होंने अब डिसाइड किया है कि वो 2021 में न्यू जनरेशन पोलो को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जो न्यू जनरेशन पोलो है वो नए लुक्स के साथ साथ आपको न्यू इंजन, न्यू गियर बॉक्स, सस्पेंशन सिस्टम और जितने भी स्विच गियर्स और इक्विपमेंट्स वगैरह है वो आपको अलग देखने को इसमें मिल सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो न्यू जनरेशन पोलो है वो इंडियन मार्केट में जो ये न्यू जनरेशन पोलो जो लॉन्च होने वाली है उससे वो कई ज़्यादा एडवांस है। हालांकि इसके पीछे वॉल्सवैगन ने ये वजह बताई है कि अगर वो इंटरनेशनल मार्केट वाली न्यू जनरेशन पोलो को अगर इंडियन मार्केट में वो लॉन्च कर दें तो उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी हैचबैक सेगमेंट के हिसाब से, और आपको पता ही है कि इंडियन मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, तो वो ऐसा रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अब ये नई जो जनरेशन वाली जो पोलो है वो अब कैसी होने वाली है, क्या क्या इसमें बदलाव होंगे, वो तो अब तभी पता चलेगा जब ये लॉन्च होने वाली है। हाँ, अब आपको ये बता दें कि ये कब लॉन्च होगी। तो जो उड़ती हुई अभी जो खबर आ रही है, हालांकि इसे वॉल्सवैगन ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है अपने साइड से, बट जो भी खबर आ रही है इधर उधर से वो ये है कि इसे मार्च 2021 यानी 2021 मार्च में इसे लॉन्च करने का प्लानिंग की जा रही है। बाकी जो अब आगे चलकर क्या होने वाला है वो आपको मैं अपने YouTube शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता ही दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।